भागलपुर स्टेशन परिसर के समीप एक मोबाइल चोर द्वारा मोबाइल चोरी का प्रयास किए जाने के दौरान रंगे हाथ स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी, जिसके बाद रेलवे पार्किंग के कर्मचारियों द्वारा चोर को पकड़कर जीआरपी पुलिस के हवाले किया गया। वहीं पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि एक युवती रिंकू कुमारी, जो टीएनबी कॉलेज की छात्रा है, कॉलेज में पढ़ाई के बाद वह अपने गांव गौराडी प्रखंड के माछीपुर जा रही थी। इसी दौरान भागलपुर रेलवे स्टेशन के पास एक मोबाइल चोर ने उसके पर्स से उसका मोबाइल निकाल लिया, जिसकी जानकारी उक्त छात्रा को लग गई। इसके बाद छात्रा ने इसका विरोध किया तो आरोपी ने झट से उसे मोबाइल लौटा दिया। लेकिन इस बीच रेलवे स्टेशन में बने पार्किंग के कर्मियों द्वारा चोर की पहचान कर ली गई। इसके बाद स्थानीय लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी और उसे पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी युवक मोहम्मद राजू पर्वती इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है, जो अन्य युवकों के साथ मिलकर स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में चोरी और छिनतई की घटना को अंजाम देता है। आपको बता दें कि भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में पिछले कुछ दिनों से लगातार मोबाइल चोर गिरोह सक्रिय है, जो यात्रियों के पॉकेट और पर्स से चुपके से मोबाइल निकालकर हाथ साफ कर लेता है। गिरोह के अन्य सदस्य भी स्टेशन समेत अन्य जगहों पर घूमते हैं और किसी चोर के पकड़े जाने पर उसको छुड़ाने का भरपूर प्रयास करते हैं, लेकिन पार्किंग कर्मियों की मदद से उक्त चोर की पहचान कर ली गई और उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया। कल से घर जा रहा था तो मतलब स्टेशन में हम सीढ़ी पे चढ़ रहे थे, हम टेंशन में थे कि बारिश हो रहा है, इसीलिए हम जल्दी से घर जाने के लिए चाह रहे थे, तो उसके पीछे हम मतलब जा रहे थे तेजी से और पीछे से मोबाइल बैग से निकाल लिया, हमको पता भी नहीं चला। तो एक रिक्शा वाला अंकल थे तो वो बोले कि लड़के आपका मोबाइल लिया, तो फिर हम अचानक से देखे तो मेरा चैन खुला हुआ था और उसके बाद उसके पीछे हम दौड़ते हुए गए, तो उसका हम कॉलर पकड़े कि आप क्यों किया ऐसा, तब वो मोबाइल निकाल के दिया और यहाँ का बहुत लोग अंकल सब भी आए, उसको कॉलर पकड़ करके लाए यहाँ पे, ऐसे हमको पता नहीं चलता मोबाइल हमको देता भी नहीं और बहुत आगे वो निकल गए थे। कहाँ से आ रही हो तुम? हम टीएनबी कॉलेज से हिंदी डिपार्टमेंट से आ रहे हैं, फिजिक्स क्लास से। कहाँ घर है आपका? माछीपुर। माछीपुर आप जाने के लिए जा रही थी? माछीपुर जी, हम घर जा रहे हैं अभी क्लास करने के बाद। जी क्या नाम हुआ तुम्हारा? रिंकू कुमारी। सर लगातार चोरी होता है, एक महिला का मोबाइल चोरी कर लिया था वो चोर, यहाँ पर हमारा और मैं अब स्टाफ पकड़ा और पकड़ के जीआरपी में दिया है। तो यहाँ लगातार चोरियाँ हो रही हैं? लगातार चोरियाँ होती रहती हैं, हम लोग इस पर ध्यान रखते हैं। भागलपुर जमालपुर रेलखंड पर नाथनगर रेलवे स्टेशन के पश्चिम केबिन के समीप एक चपरासी की ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। मृतक की पहचान नूरपुर हरिजन टोला निवासी रुदो दास के रूप में हुई है, जो मौजीलाल झा कॉलेज में चपरासी के पद पर कार्यरत था। वहीं घटना की सूचना मिलने पर मृतक के परिजन मौके पर पहुंचे और सबकी शिनाख्त की। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। हमको सर फॉर्म हल्ला हुआ कैसे ऐसे कटा है, तो वहां पे हम आए थोला पप्पे है तुम्हारा लगता है कोई आदमी, तो हम दौड़ के आए तो देखते हैं पप्पा है। क्या नाम है उनका? रुदो दास। क्या करते थे वो? सर मौजीलाल झा कॉलेज में ड्यूटी करते थे। अच्छा, कौन पद पर थे वो? चपरासी से। कहाँ घर है इनका? नूरपुर बुलाओ हरिजन टोला। भागलपुर का मसाड़ू गांव, जो सबौर प्रखंड क्षेत्र में स्थित है, गंगा के कटाव के मुहाने पर है और पूरी संभावना है कि यह गांव कभी भी गंगा नदी में विलीन हो सकता है। हाल के वर्षों में लगभग 100 घर पहले ही गंगा नदी में समा चुके हैं। वहीं गांव के लोग जो मेहनत मजदूरी करके अपने आशियाने बना रहे थे, अब मजबूरन पलायन करने को विवश हैं। वे अपने घरों को बचाने के लिए संघर्ष करते दिख रहे हैं, लेकिन अब बचे हुए लोग अपने ईंट और संपत्ति को सुरक्षित रखने में जुटे हुए हैं। गांव के लोग अपनी मेहनत से बनाए गए घरों को तोड़ते हुए अपने समाज और गांव से अलग होते हुए आंसू बहा रहे हैं, जबकि सरकार और प्रशासन गांव को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। जिला प्रशासन की अनदेखी और मानक के अनुसार काम नहीं होने से गांव को बचाना बेहद कठिन और नामुमकिन प्रतीत हो रहा है। 10 दिन में अपना अस्तित्व खत्म कर देगा, गांव का अस्तित्व ही खत्म होगा। कोई भी प्रशासनिक अधिकारी आते हैं, जो ठेकेदार है उनके ऊपर कोई नकेल नहीं कसा जाता, अपनी मर्जी से
आया डाला चार बोरी उधर रख दिया, दस बोरी वहाँ रख दिया, लेबर कहाँ काम करे उसके ऊपर कोई सुपरवाइजरी नहीं है, कोई सुपरवाइजर नहीं है उसके साथ कि कोई सुपरवाइजर करे उसको इस काम के बारे में, कुछ नहीं है। आया गया, आप देख रहे होंगे पूरे गांव टूट चुका है, जिसका करीबन 100 घर से अधिक जो है विलीन हो गया, और उसके बाद जो करीबन हम रखते हैं 200 घर तोड़ दिया गया है, घर नहीं रह गया, पिलर पिलर खड़ा है, कोई ईंट ढो रहा है, कोई अपना अब उनको रास्ता ही नहीं, अपने सर पे ईंट लेके 500 मीटर जा रहा है लोग, क्योंकि बस कुछ नहीं है, ना शासन से ना प्रशासन से ना किसी नेता से, अब उनको आशा ख़त्म हो गया, यहाँ से पूरा गांव तबाह है बिल्कुल। इस पर रात दिन औरतें रोती हैं, चिल्लाती हैं, बिलखती हैं, उनकी हालत देख के आंसू आता है कोई, लेकिन हमारे जो माननीय नेतागण हैं इसको तो आपदा ग्राम घोषित कर देना चाहिए, प्रधानमंत्री को, बिहार सरकार को तो छोड़िए, बिहार सरकार तो सो रही है, वो इतने चार बोरी में अपना काम कर रही है बस। भागलपुर में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसी क्रम में भागलपुर नगर निगम में आज सफाई मित्र सुरक्षा शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्घाटन नगर आयुक्त डॉक्टर प्रीति, महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल और उप महापौर डॉक्टर सलाउद्दीन अहसन ने फीता काट कर किया। इस अवसर पर महापौर वसुंधरा लाल ने कहा कि स्वच्छता पखवाड़ा का थीम स्वभाव में स्वच्छता, संस्कार में स्वच्छता है। उन्होंने बताया कि आज के शिविर में नगर निगम के सभी सफाई कर्मचारियों का स्वास्थ्य जांच शहर के चिकित्सकों द्वारा किया गया। इस शिविर में नगर निगम के वार्ड पार्षद संजय सिन्हा, पंकज गुप्ता और अन्य वार्ड पार्षदों के साथ साथ नगर निगम के कर्मचारी भी उपस्थित रहे। भागलपुर रेलवे स्टेशन परिसर में स्वच्छता ही सेवा 2024 का आयोजन किया गया। दरअसल यह कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत मिशन 2014 के 10 साल पूरे होने के उपलक्ष में आयोजित किया गया था। इस खास मौके पर भागलपुर नगर निगम की मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, मालदा रेल डिवीजन के सीनियर DCM सुदेव भट्टाचार्य और रेलवे तथा सुलभ इंटरनेशनल के कर्मी भी उपस्थित रहे। मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने स्वच्छता प्रहरी को विशेष रूप से सम्मानित किया। अपने संबोधन में मेयर ने आम लोगों से स्वच्छता के प्रति जागरूक रहने की अपील की और कहा कि साफ सफाई न केवल स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है बल्कि यह पूरे शहर के लिए भी महत्वपूर्ण है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत सरकार के स्वर्णिम मिशन में सभी की भागीदारी एक स्वस्थ समाज और स्वस्थ देश का निर्माण करेगी। स्वभाव में स्वच्छता और संस्कार में स्वच्छता इस बार का थीम है, इसको हम लोग लेकर के चले। सबके संस्कार में स्वच्छता है, आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको स्वभाव में कैसे लाया जाए इसके लिए ये मुहिम चल रहा है। आप लोग इस मुहिम से जुड़े और अपने स्वभाव में स्वच्छता लाए, और हमारे जितने भी सफाई बहने भाइयों हैं सबका सम्मान करते हुए इनका सहयोग, क्योंकि इनके सहयोग से और जन भागीदारी से ही हमारा शहर स्वच्छ रहेगा और सब लोगों के स्वभाव में स्वच्छता आएगी। भागलपुर में बिहार राज्य निर्माण कामगार यूनियन के बैनर तले C2 के कार्यकर्ताओं ने भारतीय ट्रेड यूनियन केंद्र के आह्वान पर अखिल भारतीय मांग दिवस के मौके पर 15 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना दिया। धरना का आयोजन श्रम आयुक्त और श्रम संसाधन विभाग के कार्यालय के बाहर आयोजित किया गया। C2 के कार्यकर्ताओं ने मांग की कि निर्माण मजदूरों का निबंधन पंचायत स्तर पर शिविर लगाकर किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने अन्य कई महत्वपूर्ण मांगे भी प्रस्तुत किया। दरअसल यह धरना श्रमिकों के अधिकार और कल्याण के लिए एकजुटता दिखाने का प्रयास था, जिसमें कार्यकर्ताओं ने अपनी आवाज उठाई। ये पूरे हिंदुस्तान में आज अखिल भारतीय मांग दिवस C2 के आह्वान पर होने जा रहा है, उसमें 15 सूत्री मांग हम लोगों का है। अभी हाल फिलहाल मंत्री जी आए थे, सबको साइकिल खरीद करके दे दिया गया, लेकिन उसका भुगतान अभी तक खाता पर पैसा नहीं भेजा। विवाह अनुदान और जाकर मृत्यु लाभ का पैसा यहाँ लसका हुआ है, बहुत लोग परेशान हैं और जाते हैं ऑफिस से घूर के जाते हैं, ऑनलाइन के नाम पर परेशान किया जाता है। निबंधन हम लोग मांग करते हैं कि पंचायत में शिविर लगा कर, वार्ड में शिविर लगा के जो मजदूर है उसको निबंधन किया जाए, वो भी यहाँ बंद है, सारा प्रक्रिया बंद है और अनुदान के नाम पर लटकाया जाता है, अभी तक अनुदान नहीं दिया है। और इसीलिए हम आज DLC साहब से मांग करने के लिए, DLC को हम 27 तारीख को ज्ञापन देकर के सूचना दे दिए थे कि हम लोग
जो है 30 तारीख को हम लोग आएंगे, लेकिन अभी तक डीएलसी साहब आए नहीं। डीएलसी साहब आएंगे, उनको देंगे ज्ञापन, उनसे रिसीविंग लेंगे। यह है मांग और इसी मांग पर हम लोग आंदोलन लगातार करेंगे।